नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट का। तो आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने होते हैं। अब बात करता है कि किस रेशियो में बने होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा, अगर अनुपात की बात करें तो 1:2:1 में बने होते हैं। एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। जहां पर 1 कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 क्या होगा, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई की अगर बात करें तो वो होती है सैकेराइड। क्या होती है? सैकेराइड होती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? सैकेराइड होती है। उसके बाद में आगे हम बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हमारा आंसर रहेगा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड, बीच में हम लेते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का दूसरा नाम होता है ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इस प्रकार से 3 होते हैं कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है। तो जो मोनोसैकेराइड होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करें तो वो होता है ग्लूकोज। अब क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारा आंसर रहेगा मोनोसैकेराइड होता है। किस प्रकार का होता है? मोनोसैकेराइड होता है। तो जो ग्लूकोज होता है इसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज को हमें ब्लड शुगर कहते हैं। इसको हम कहते हैं रक्त शर्करा का नाम देते हैं, रक्त शर्करा। उसके बाद में ग्लूकोज को हम कहते हैं फ्यूल ऑफ ए सेल कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं ग्लूकोज से। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ब्लड शुगर, रक्त शर्करा किसको हम कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो होता है उसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। फलों वाली शर्करा। तो हम क्वेश्चन पूछ ले फलों वाली शर्करा किसको कहते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा फ्रक्टोज को हम फलों वाली शर्करा कहते हैं। उसके बाद में फ्रक्टोज जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। उसके बाद में सबसे मीठी शर्करा इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा
प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज होती है। अगर यहीं पर बात करते कृत्रिम रूप से, कृत्रिम की अगर बात कर दे, कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा, तो हमारा आंसर रहेगा सैक्रीन। सैक्रीन होता है, ठीक है। सैक्रीन जो है इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है। सैक्रीन का प्रयोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है। सैक्रीन जो है वो इंसुलिन की मात्रा को कम कर देता है, इसीलिए हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। जो सैक्रीन होता है ये हमारे शरीर में इंसुलिन के स्त्रावण की मात्रा को कम कर देता है, इसके कारण हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अगर तीसरे मोनोसैकेराइड की बात करें तो वो होता है गैलेक्टोज। कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। इसका आगे यूज बढ़ेंगे गैलेक्टोज का। तो तीन प्रकार के होते हैं मोनोसैकेराइड। सबसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, तीसरा होता है गैलेक्टोज होता है, ठीक है। तीन प्रकार के हैं मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज जो इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ब्लड शुगर रक्त शर्करा कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फलों वाली शर्करा कहते हैं। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा पूछे तो सैक्रीन होती है, और सैक्रीन जो है वो इंसुलिन के स्त्रावण को कम कर देती है, इससे हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज रोग होता है। सैक्रीन का प्रयोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर किया जाता है। तीसरा मोनोसैकेराइड है वो गैलेक्टोज होता है। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड की। कितने होते हैं? तीन प्रकार के डाइसैकेराइड होते हैं। दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़कर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। दो मोनोसैकेराइड यूनिट जो है आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? डाइसैकेराइड का प्रयोग करती हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। सबसे फर्स्ट होता है माल्टोज। माल्टोज, अब बात आती है माल्टोज किस किस से मिलकर बनता है, तो हमारा आंसर रहेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है। माल्टोज को हम कहते हैं माल्ट शर्करा, या हम कहेंगे माल्ट शुगर, माल्ट शुगर। दूसरा नाम लेते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेगा माल्ट शर्करा। दूसरा हम इसी को कहते हैं सीड शुगर, सीड शुगर, बीज वाली शर्करा, बीज वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है, बीज वाली शर्करा। माल्टोज जो होती है वो सामान्यतः बीजों के अंदर पाई जाती है, अंकुरित बीजों के अंदर। जैसे मूंग के बीज होते हैं, उसको हमने भिगो के रख दिया कपड़े के अंदर तो उपज जाते हैं, तो भिजे हुए अनाज के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज। माल्टोज शर्करा जो होती है किससे बनती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माल्टोज को। इसी को हम माल्ट शर्करा कहते हैं, इसी को हम बीज वाली शर्करा कहते हैं। सेकेंड आता है सुक्रोज। अगर सुक्रोज की अगर हम बात करें तो वो मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से मिलकर किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज को हम कहते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे टेबल वाली शर्करा, टेबल वाली शर्करा कहते हैं, टेबल वाली शर्करा, ठीक है। दूसरा नाम आता है गुड़ वाली शर्करा, गुड़ वाली शर्करा, ठीक है। टेबल वाली शर्करा और गुड़ वाली शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। तीसरी हम बात करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर के निर्माण करते हैं लैक्टोज का, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। इसको हम कहते हैं दुग्ध वाली शर्करा, या हम लिखेंगे दूध वाली शर्करा, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर किसको कहते हैं? लैक्टोज को कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है।
तो ये है डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले है माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं, इसका नाम माल्ट शर्करा होता है। दूसरी बीज वाली शर्करा होती है, अंकुरित बीजों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरी हम बात करें तो सुक्रोज है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज का निर्माण करती है, इसको हम टेबल शर्करा कहते हैं, इसी को हम गुड़ शर्करा कहते हैं। तीसरी आती है लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, इसको हम दूध वाली शर्करा मिल्क शुगर कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड जो होता है चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। अब वो देखते हैं किस प्रकार से है। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड जो है वो होता है चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का। सबसे अगर पहली हम बात करते हैं तो वो आता है स्टार्च आता है। स्टार्च सबसे पहला कौन सा आता है? स्टार्च आता है। स्टार्च जो होता है, अब क्वेश्चन पूछता है पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित रखते हैं, किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा स्टार्च। तो हम बात लिखेंगे पौधे अपना भोजन, अपना भोजन स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट के अंदर रिजर्व्ड फूड होता है। पौधे जो है अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। अब बात आती है, दूसरी बात करता है स्टार्च से। यहां से जो स्टार्च होता है वो आलू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आलू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च सबसे ज्यादा मात्रा में किसे पाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा आलू के अंदर। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं, किस ऑर्गन के अंदर रखते हैं? तो वो रखते हैं रूट्स के अंदर, जड़ों में। और जड़ जो होते हैं उनका रंग होता है हमेशा सफेद रंग होता है। जड़ों का रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। उसके बाद में स्टार्च से क्वेश्चन और आता है कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल होता है, जो डॉक्टर देता है कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल के बाहर के जो अनेक आवरण होता है, बाहर के जो अनेक परत सी होती है, वो किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है। दूसरी हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में, तो वो आता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन होता है पौधों के अंदर तो स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, तो मानव अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। मानव अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब बात करते हैं किस अंग के अंदर होता है, किस ऑर्गन में होता है, तो हमारा आंसर रहेगा लीवर में, जिसको हम कहते हैं यकृत में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है किसके अंदर होता है? यकृत के अंदर होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है और स्टोर किसके अंदर होता है? यकृत के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बात थी ग्लाइकोजन के बारे में। तीसरी हम बात करते हैं तो वो आता है सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। तो एक बात लिखेंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो हमारा आंसर रहेगा सेलुलोज होता है। ठीक है,
अब जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, पौधों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, तो हम बात लिखेंगे पौधों की कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यू लोज की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है। दूसरी बात हम करते हैं जो सहवाल होते हैं जिसको हमें अलगा कहते हैं, जिसको हम काई कहते हैं, काई, ठीक है। तो जो सहवाल जो होते हैं, सहवाल की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सहवाल की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। पौधों और सहवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फोर्थ नंबर पर रहता है काइटीन, फोर्थ नंबर पर है काइटीन, यहां पर लिख रहा हूं काइटीन, ठीक है। काइटीन जो होता है आपने देखा होगा कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटीन की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति काइटीन की बनी होती है जिसको हम फंजाई कहते हैं। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटीन की बनी होती है। दूसरी बात आती है काइटीन से, सेकंड बात आती है काइटीन से कि जो कीट पतंगे होते हैं जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, इंसेक्ट की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, काइटीन की बनी होती है। जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, काइटीन की, जिसको हम कवच कहते हैं, परत कह लो या कहेंगे बाहरी कवच, बाहरी कवच। जो इंसेक्ट का बाहरी कवच होता है वो भी किसका बनाता है, काइटीन का बना होता है, ठीक है। तो ये बात थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, किस अनुपात में होते हैं, तो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो हमने इकाई सैकराइड होती है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। जो मोनोसैकराइड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। उसके बाद में ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर रक्त शर्करा कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं। सेकेंड आता है, तो सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो होता है उसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं, फलों वाली शर्करा कहते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रैक्टोज होती है। कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा सैक्रीन होती है, जिसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है। जो सैक्रीन जो होती है वो डायबिटीज 2 रोग करने का काम करती है। किस प्रकार से होता है डायबिटीज 2, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो सैक्रीन के कारण होता है। सैक्रीन का प्रयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। सैक्रीन जो होती है वो पेनक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन को मात्रा को कम कर देती है, ठीक है। जो पेनक्रियाज जो है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, उससे एक हार्मोन निकलता है बिट्टा सेल से इंसुलिन, इंसुलिन के स्रावण की मात्रा को कम कर देता है सैक्रीन, जिसके कारण हमें टाइप 2 डायबिटीज रोग हो जाता है। तीसरा मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो वो होता है गलेक्टोज होता है। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ता है तो बनता है माल्टोज, माल्ट शर्करा कहते हैं। बीज वाली शर्करा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट में पाई जाती है जैसे कि बादाम में, तो बादाम वाली शर्करा भी किसको कहते हैं, माल्टोज को कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं तो वो आता है सुक्रोज आता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के कारण होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसको हम टेबल शर्करा कहते हैं, दूसरा हम गुड़ वाली शर्करा इसी को कहते हैं। तीसरी जो है डाइसैकेराइड वो आती है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, इसको हम दूध वाली शर्करा मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड जो है चार प्रकार की होती है। सबसे पहला स्टार्च, पौधे जो है अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। स्टोर कहां पर करते हैं, जड़ों में करते हैं। जड़ों का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। आलू में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। अगला है ग्लाइकोजन।
मानो अपना वजन जो हमने ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं किस अंग में करते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा यकृत में। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में चेंज हो जाता है। तीसरा आता है सेलुलोज। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो हमारा आंसर रहेगा सेलुलोज होता है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल को जो है अलगा कहते हैं, जिसको हम काई कहते हैं। काइटिन जो होता है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इंसेक्ट का आउटर सरफेस बाहरी परत किसकी बनी होती है, तो हमारा आंसर रहेगा काइटिन की। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।